अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी लहंगे की ब्लाउज की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। सबसे पहले हम कपड़े और अस्तर को दोनों को जोड़ लेंगे और इस तरीके से दोनों का गला होना चाहिए। अब अस्तर के बराबर हम कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई लेंगे, यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई, और इसको शेप में हमें उतारना है। अब नीचे की प्लेट हम एक इंच की चौड़ाई लेंगे, यहाँ पे एक इंच की चौड़ाई, अब यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई, अब यहाँ पे भी आधा इंच की चौड़ाई लेके शेप में उतारना। अब तीरे को लगाएंगे। अभी तीरे को हमने जोड़ लिया है नीचे से सिलाई लगा के। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से तीरे को जोड़ेंगे, तीरे के ऊपर हम इसको रखेंगे और एक प्लेट को अंदर की साइड रखेंगे और आधा इंच यहाँ पे दबाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट डालेंगे और तीरे को जोड़ेंगे। अब हमने ये अस्तर की पट्टी ली है, 1.5 इंच की चौड़ाई है। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी रखेंगे और अंदर की शर्ट दबा के सिलाई लगाएंगे। अब ये कपड़े की पट्टी है, वो 4.5 इंच की है और इसको डबल करके हम जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे पट्टी रखेंगे 7 इंच की और ये गले को भी हम इस तरीके से नाप लेंगे, तो ये बराबर है हमारा गला, 7 इंच हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें हम पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। अभी पीछे के पल्ला पे भी हमने ये सिलाई लगा ली है अंडरग्राउंड, इस तरीके से अस्तर और कपड़े को दोनों को जोड़ लिया है। अब इसमें पहले पीछे की प्लेट डालेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे पीछे की साइड। अब हमारा गला यहाँ से निशान लगाएंगे 5 इंच पे, इसकी लंबाई 3 इंच की रखेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट डालेंगे। अब इसमें हम आगे के पल्लक को जोड़ेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे 1 इंच पे। अब दूसरी साइड में इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से कमर का नाप लेंगे, हमारी कमर बराबर है 30 है। अब इसमें हम बाजू को जोड़ेंगे। पहले हमने अस्तर और कपड़े पे पहले एक सीधी सिलाई लगाई है, अब उसके बाद हम इसको अंदर की शर्ट दबा के एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसको बराबर करके छोटा बड़ा जो कपड़ा है वो अस्तर के बराबर काटें।
दूसरी साइड भी इसी तरीके से। अब यहाँ से हम थोड़ी सी सिलाई आधा इंच खोल के बाजू को लगाएंगे। अब हम बाजू को बाद में लगाएंगे, पहले इसका जो बॉर्डर है उसको लगाएंगे। यहाँ से हम इसको बराबर करके निशान लगा लेंगे। अब हम इसको डबल करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे और ये बॉर्डर को पहले लगाएंगे। अब बॉर्डर को हम बाजू के बराबर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से बीच में निशान लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ से शोल्डर से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे बाजू की मोहरी हमारी ऐसे 10 इंच की है तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे 5 इंच पे। इसको तिरछा करके इसमें जोड़ देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू को लगाएंगे। अब इसी के बराबर हम दूसरी बाजू की फिटिंग करेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इसको हम जो फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। इसको हम सीधा करेंगे। अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ से हम कुंडी से इसको तिरछा करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कुंडा नहीं है तो ये कुंडी वाली पट्टी इसमें जोड़ेंगे। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे और गले पे पाइप लगाएंगे। इसमें हमें आधा इंच की आधा इंच का कपड़ा दबाना है दोनों साइड, गले को, गले का कपड़ा और पाइपिंग का। अभी हमने आधा आधा इंच कपड़ा दबा के पाइपिंग लगा ली। अब इसके बाद हम एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे और ये अंदर का कपड़ा दबाते हुए अभी कपड़े को काटेंगे। अब यहाँ से इसको अंदर के साइड दबा के जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहें उतनी हम इसको बाहर के साइड निकालेंगे और बाकी कपड़े को अंदर के साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अभी हमारे गले में पाइपिंग लग गई है। अब यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। और यहाँ पे काज बनाएंगे। यहाँ पे अंदर वाली पट्टी है वहाँ पे हम हुक लगाएंगे और यहाँ पे काज बनाएंगे। और ये पीछे का गला है हमारा। अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। ये बन गया हमारे लहंगे का ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।